हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर वेल। तो आज जो हमारा व्लॉग है, व्लॉग नंबर 49, ये आम व्लॉग्स की तरह नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और इस व्लॉग में ये कि आपको भाई एक ही जगह बैठा हुआ है, और क्यों बैठा हुआ है, टाइटल पढ़कर आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा, मुश्तबा भाई खो गए। मैंने आप व्हाट लोग से इंस्टाग्राम की स्टोरी पर प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को मुश्तबा के खोने की स्टोरी अपने व्लॉग में बताऊँगा। सो वो स्टोरी मैं बताने लगा हूँ, और वो स्टोरी 100% सच्ची है। और ऐसी स्टोरी है कि अगर आप उसको ऑर्गेनिक होकर सोचोगे, यानी उसको नेचुरल होकर सोचोगे कि हाँ यार ये चीज़ थी, तो आप लोगों को खुद फील होगा कि हाँ यार जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। मेरा अजीज़ दोस्त मुश्तबा जीवानी, जो जिनको नहीं पता उनको मैं बताता जा रहा हूँ, मुश्तबा मेरा कोई बचपन का दोस्त है। हम लोग कोई जब मैं 4-5 साल का हूँगा, जब से हम लोग दोस्त थे। और अभी आपका भाई 23 साल का है, उम्र नहीं छुपाते हम लड़के, इसलिए मैं उम्र बता रहा हूँ। 23 साल का हूँ मैं, और अब तक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्ती है। तो लंबी नहीं करते, सीन कुछ ऐसे हो गए गाइस कि डेट तो मुझे नहीं याद है, आज से कोई 3 दिन पहले की बात ही है। मुश्तबा भाई की गुड न्यूज़ से मुराद ये कि मुश्तबा भाई बाप बनने वाले थे क्या, बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज से 3 दिन पहले मुश्तबा भाई की वाइफ जो थी, उनकी हॉस्पिटल में एडमिट थी, और उनको उनकी गुड न्यूज़ आने वाली थी। तो मुश्तबा की वाइफ एडमिट थी कराची के एक निजी हॉस्पिटल में। तो मुश्तबा भाई ने मुझे कहा कि यार आज वाइफ एडमिट है, तो मैंने पूरी रात यहीं हॉस्पिटल में रहना है, तो तुम आना यहाँ हॉस्पिटल में। मैंने कहा ठीक है भाई, दोस्त बुला रहे हैं, हाजिर है। हमारा चल रहा था शूट, चल रहा था, हम कॉरिंगी के साइड पर थे, मैं और रहमान मेरे साथ था। हमारा शूट चल रहा था, जैसे ही शूट ख़त्म हुआ हमने सोचा था हम जाएंगे हॉस्पिटल। अराउंड 10:30 बज रहे थे, मुझे अचानक कॉल आती है, किसकी, मुश्तबा की सासू माँ मुझे कॉल करती है और कहती है कि बेटा मुश्तबा आपके साथ है। मैंने कहा नहीं, मुश्तबा मेरे साथ नहीं है। उन्होंने कहा मुश्तबा इससे आपकी कब बात हुई लास्ट? मैंने उन्हें बताया मुश्तबा से मेरी तकरीबन 2 घंटे पहले बात हुई थी। उसने मुझे कहा था कि तुम हॉस्पिटल आना, और हम हॉस्पिटल में बैठ कर थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा कंपनी मिल जाएगी, यू नो। सो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा। बस मैंने बोला मेरी बस यही बात हुई है मुश्तबा से, कहा। उन्होंने कहा कन्फर्म? मैंने कहा यस। उन्होंने कहा मुश्तबा से हम पिछले 2 घंटे से कॉल कर रहे हैं, उसको कॉल नहीं लग रही, उसका नंबर बंद है, आप प्लीज़ रब्ता करो। मैंने कहा ठीक है, इट्स नॉर्मल, नहीं लग रही रब्ता, खैर है, मोबाइल बंद हो गया होगा आगे पीछे, व्हाटएवर। 10:30 से 12 बज गए, मुश्तबा का मोबाइल अभी भी बंद जा रहा है, थोड़ा सा मामला सीरियस होने लगा। मैं रास्ते में था, कॉरिंगी से सीधा हॉस्पिटल के करीब पहुंच रहा था, मैंने कहा वहाँ पहुंचूंगा। मैं वहाँ पहुंच ही रहा था, रास्ते में मैंने मुश्तबा के साथ हमारा एक और जो दोस्त होता है आजकल जो उसके साथ होता है, उसको कॉल की, वो कॉल बिल्कुल रिसीव नहीं कर रहा, और मुश्तबा भाई का नंबर बन जा रहा है। थोड़ी सी परेशानी बढ़ती गई, और फाइनली हम पहुंच गए हॉस्पिटल के करीब। जब हम हॉस्पिटल के करीब पहुंचे, फिर भी मुश्तबा भाई ने कॉल नहीं उठाई, तो थोड़ी सी अंदर ना टेंशन बढ़ने लगी। जब टेंशन बढ़ने लगी तो मैंने आंटी को बोला, आंटी मुश्तबा मेरे भी रबते में नहीं है, और वो जो लड़का था जिसके साथ हमें लग रहा था कि वो होगा मुश्तबा, उसके साथ भी नहीं था, वो लड़के से हमारा रबता हो गया था, वो लड़का घर में सो रहा था, इट्स नॉर्मल, और मुश्तबा उनके साथ नहीं था। मैंने आंटी को कहा मेरी उस लड़के से रबता हो गया, मुश्तबा उस लड़के के साथ भी नहीं है, अब मामला और गमगीन हो गया। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ करीब में इमाम बारगाह वगैरह थे। मैंने कहा इमाम बारगाह में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अभी गुड न्यूज़ आने वाली है, तो इमाम बारगाह हो सकता है गया हो वो दुआ वगैरह करने। मैंने इमाम बारगाह चेक किया, इमाम बारगाह का कोना कोना देख लिया, लेकिन मुश्तबा वहाँ भी नहीं था। टेंशन मजीद बढ़ते गया, मैं पहुँच गया हॉस्पिटल। जब आपका भी हॉस्पिटल पहुँचा, तो वहाँ पर मुश्तबा की अम्मी, मुश्तबा की सासू माँ, मुश्तबा के अब्बा, मुश्तबा के छोटे भाई सब बैठे हुए हॉस्पिटल के कॉर्नर में, और अफसरदा चेहरा बनाकर बैठे हुए कि यार मुश्तबा नहीं है, क्या सीन है ये वो। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, गायब हो जाएगा। कह रहे अब क्या करें, देखो। उन्होंने मुझे अपने घर की चाबी दी, बोला तुम जाओ, मैं अपना मुश्तबा के घर पर देख कर आओ, हो सकता है वो वहाँ पर हो। मैंने कहा ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। मैं उसके घर भी चला गया, मुश्तबा के घर, डर डर के आपका भाई अंदर घुसा, और अंदर भी कोई नहीं था। फिर मैं वापस आ गया, मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, अंदर ही अंदर डर सा लगने लगा, आपको भाई दुआएं मांगने लगा। वापसी आ गया मैं हॉस्पिटल, जब आया तो उसके अब्बू ने मुझे कहा कि यार कराची है, कराची के हालात ऐसे, तुम जाओ हॉस्पिटल वगैरह देख कर आओ। मैंने कहा यार अंकल कैसी बातें कर रहे हैं। बोल रहे बेटा हालात ऐसे, तुम देख लो, फिर भी अल्लाह खैर करे, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा चलें अल्लाह सब बेहतर करेगा, मैं फिर भी देख लेता हूँ। अब इस सिचुएशन पे मुश्तबा का पूरा ख़ानदान हॉस्पिटल पहुँच चुका था, यानी चचा चची मामू मामा एट्सेट्रा सब पहुँच गए थे हॉस्पिटल। सब कह रहे हैं यूसुफ भाई हम इस हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप इस हॉस्पिटल जाओ। हमने कहा ठीक है। वो सिविल हॉस्पिटल गए, मैं अपने दोस्तों को लेकर जिना हॉस्पिटल गया। जिना हॉस्पिटल के एक एक बेड आपका भाई जिंदगी में पहली बार गया जिना हॉस्पिटल, और वहाँ पर जो इमरजेंसी वार्ड होता है
वहाँ पर जो इमरजेंसी के केसेस होते हैं उनके पास मैं एक बैठ जाकर देख रहा हूँ, दुआ मांग रहा हूँ, या अल्लाह ऐसा ना हो, या अल्लाह ऐसा ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं था। अफसोस की बात यह कि उसके बाद हमें कुछ मज़ीद और बुरी जगहों पे जाना पड़ा, अल्लाह ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। हम उसके बाद ऐदी पहुँचे, चीपा सेंटर पहुँचे, जहाँ पर सर्द खाने, मुर्दा खाने हैं। अफसोस के साथ हमें वहाँ भी जाना पड़ा। हम वहाँ जाकर मालूम करें कि यार मुश्तबा साहब नाम से यहाँ ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं, ऐसा कोई केस तो नहीं आपके पास? वो कह रहे नहीं हमारे पास कोई केस नहीं। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचा था वो बचा था अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। आपका भाई वहाँ भी पहुँच गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी ना इमरजेंसी केसेस में ना ही वहाँ किसी भी केस में मुश्तबा हमें वहाँ मिला। मैंने कहा यार ऑल रिपोर्ट ओके अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर ही अंदर डर लगने लगा, अंदर ही अंदर डर लगने लगा। हमने कहा अल्लाह खैर करे। कॉन्टैक्ट किया मैंने वापसी हॉस्पिटल में जो थे उनके कजन्स वगैरह, मैंने कहा भाई मैंने यही हॉस्पिटल चेक कर लिया, मुश्तबा यहाँ पर भी नहीं है। उन्होंने कहा यार क्या करें, अल्लाह रहम करे। और हम वापस जब हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो उसके अब्बू अम्मी वगैरह थोड़े से रोने लगे सारे। कोई उस बात को 6 घंटे हो गए थे, रात के 4 बज गए थे, 9 बजे से खोया हुआ था मुश्तबा, रात के 4 बज गए, मुश्तबा की कोई रिपोर्ट नहीं है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि मुश्तबा के साथ उसका छोटा भाई भी था, यानी दोनों की कोई रिपोर्ट नहीं है। 4 बजे के करीब ऐसा वाकया पेश हुआ कि हम हॉस्पिटल के अंदर जैसा ही एंटर हुए और मैं उसके अब्बू के पास गया, वो लोग आए मेरे पास, क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा अंकल मुश्तबा नहीं मिला हमें, हम हर जगह देख कर आए, हॉस्पिटल में देख लिया, हर ईदी देख लिया, चीपा देख लिया, हर जगह देख लिया, मुश्तबा नहीं मिला है। यही गुफ्तगू कर रहे थे कि वो जो हॉस्पिटल था जहाँ ये लोग सब बैठे हुए थे, जहाँ उसकी वाइफ एडमिट थी, वहाँ पर एक गेट है, वहाँ से मुश्तबा चलता हुआ आ रहा है। आप यकीन करें, दिल कर रहा था मुश्तबा भाई को मारे। मुश्तबा भाई वहां से ऐसे करके चलता हुआ आ रहे, और कैसे चलते हुए आ रहे, इट्स नॉर्मल चलता हुआ आ रहा है। खैर वो आंखें मसलता हुआ चलता हुआ आ रहा है, बाल खुजा रहा है। बोले क्या हुआ? मैंने उसको देखा, वो बोले इतने सब क्यों आए, क्या हुआ, खुशखबरी आ गई? मैंने कहा अबे अभी तो तू मिल गया, ये खुशखबरी आ गई। बोले क्या हुआ? मैंने कहा तुम कहाँ थे? उसके अब्बा ने ये उसको चकर है, मैं तो नीचे नमाज रूम में सो रहा था। मैंने कहा उसका अब्बा उसको जोर से चमाट मारने वाला था। हम सब रुक गए और हमने कहा अंकल नॉर्मल हो जा, हॉस्पिटल में कोई मसला नहीं, हो जाता है। फिर उसके अब्बा सब उसको पकड़ के लेके गए कोने में। मुझे नहीं पता वो कोने में जाकर क्या हुआ, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है वो कोने में जाकर क्या हुआ। हम वहाँ पर जब पहुँचे तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुश्तबा भाई बाद में सबसे मिलजुल कर जब हमारे पास आए इन रिटर्न, तो हमने बोला यार तुमने क्या हरकत की? वो कह रहा है यार मेरी तो नॉर्मल सी बात है, मैं वहाँ पर सो रहा था नमाज रूम में। तो मैंने कहा बंदा वाईफाई वगैरह कुछ ऑन करके बताता है, ये क्या सीन है? कह रहा है यार ये तो नॉर्मल सी बात है, मुझे क्या लगा सिग्नल नहीं आ रहे नमाज रूम में और मैं सो रहा था। मैंने कहा थोड़ी देर में उठ कर चला जाऊँगा। और वो सात घंटे गायब हो गया। और मैं आपको नहीं बता सकता कि ये स्टोरी तो फनी है, लेकिन हम इन द एंड जो हम उस सिचुएशन में गुजर रहे थे, हम एक ट्रॉमा में थे बेसिकली उस दौरान, और हम सब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हम सोच रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सही सलामत था, और जहाँ भी था चले अल्लाह की मसलियत होगी। इसी के साथ साथ खुशखबरी की बात ये कि मुश्तबा भाई अब बाप बन चुके हैं, उनको माशाल्लाह से बेटी हुई है। हम उनको बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं, और ये पूरा ब्लॉग मैं मुश्तबा भाई को डेडिकेट करता हूँ। मुश्तबा भाई वी लव यू, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।